जंग भले ही सरहद पे लड़ी जाती है और उसे लड़ने वाला सिपाही भी पूरी तरह से देशभक्ति के नशे में चूर होता है, लेकिन ये देशभक्ति एक तरफा नहीं होती। उस घर आंगन में रहने वाले लोगों में भी वही देशभक्ति का जज्बा झलकता है जो सिपाही के दिल में झलकता है, क्योंकि वो उसके घर वाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक वेब सीरीज की जो अभी अभी स्ट्रीम हुई है, जिसका नाम है 1962 द वॉर इन द हिल्स। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ खास है इस वेब सीरीज में। मैं अनुभा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिल्वर स्क्रीन इंडियन में। चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना प्यार हमें ऐसे ही देती रहिए। अपनी जान की बाजी लगाने वाले उन सोल्जर्स की जिंदगी, उनके जज्बे, उनके साहस को हम बहुत ही बेहतर तरीके से इस सीरीज में देख सकते हैं। किस तरह सिर्फ एक फोन कॉल पे वो अपना सब कुछ, अपना परिवार, अपना घर, अपनी शादी, अपनी नई जिंदगी, सब कुछ छोड़कर चले आते हैं अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए। एक सोल्जर की जिंदगी कितनी चैलेंजिंग होती है। जब वो सीमा पे होता है तो उसे घर की चिंता जरूर होती है, लेकिन परवाह उसे अपने देश और भारत माता की होती है। वो नहीं जानता कि वो घर वापस लौट के आएगा भी या नहीं। एक डायलॉग जो सीधे आपके दिल तक दस्तक देता है कि या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। इस तरह के बहुत सारे सीन हैं जो आपके दिल तक पहुंचते हैं, आपके दिल को झकझोर देते हैं, आपकी आंखों को नमी से भर देते हैं। और इस तरह के बहुत ही खूबसूरत मोमेंट्स के साथ इस फिल्म का जो म्यूजिक बजता है, जो गाने बजते हैं, वो बहुत ही बेमिसाल है। कुछ ऐसे हार्ट रेंचिंग मोमेंट्स हैं इस सीरीज में जो आपको पूरी तरह से सोचने पे मजबूर करेंगे, साथ ही साथ आपकी पलकों को भी भिगा देंगे। इस सीरीज में 1962 के इंडिया चाइना वॉर के ट्रू इवेंट्स को पर्दे पर उकेरने की कोशिश की गई है, जो बस ठीक ठाक ही लगती है। इस सीरीज का टाइटल है द वॉर इन द हिल्स, लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि लव स्टोरी ऑफ फैमिली ड्रामा हम बोल सकते हैं इसे, क्योंकि सोल्जर्स की फैमिली लाइफ और उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको ज्यादा से ज्यादा टारगेट किया गया है इस सीरीज में, तो वॉर तो कहीं पीछे छूट सा जाता है। इस सीरीज का टीजर और ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया था और क्योंकि इसके डायरेक्टर हैं महेश मांजरेकर, तो बहुत सारी उम्मीदें थी कि ये बहुत खास हो सकती है, लेकिन दोस्तों वैसा कुछ हुआ नहीं है। ये एक वॉर ड्रामा वेब सीरीज है, लेकिन इसके वीएफएक्स की बात करूं तो बहुत ही पुअर है। स्पेशली जो एक्सप्लोजन वाले सीन है वो तो काफी निराश करते हैं। बात करें इस सीरीज के म्यूजिक की तो म्यूजिक वाकई बहुत अच्छा है, गाने बहुत प्यारे हैं जो सुनने में काफी अच्छे लगते हैं, और स्पेशली टाइटल ट्रैक तो आपका दिल चुरा लेगा। बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो बस ठीक ठाक ही थी, जिसे बेहतर किया जा सकता था। बात करें स्टार कास्ट की तो हमें इस वेब सीरीज में नजर आते हैं अभय देओल, माही गिल, सुमित व्यास, अक्ष धोसर और मियांग चान। परफॉर्मेंस की बात करें तो अभय देओल ने एक बार फिर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी है, उन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। सुमित व्यास और माही गिल भी काफी अच्छे लग रहे हैं। अक्ष धोसर ने काफी अच्छा काम किया है, उन्हें देखना बहुत ही प्लीजेंट लग रहा है। 1962 के उस एरा को पूरी तरह से रिक्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी और इस बार ये मेहनत पूरी तरह से की गई है इस सीरीज में। 10 एपिसोड लंबी ये सीरीज बहुत ज्यादा अखरने लगती है, बहुत ही डल और धीमी स्पीड से आगे बढ़ती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि एपिसोड बहुत लंबे है, इन्हें कम किया जा सकता था। इसे पूरी तरह से इस तरह से प्रमोट किया जा रहा था कि ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी काल्पनिक सी कहानी लगने लगती है। इसमें किरदार नजर आता है जवाहरलाल नेहरू का, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्हें कोई नाम नहीं दिया जाता। इसी तरह इंदिरा गांधी भी इसमें प्रिया के नाम से इंट्रोड्यूस की गई। एक चीज और जो बहुत ज्यादा खलती है कि 1962 के जो इंडो चाइना वॉर है उसको लेकर ये कहानी आगे बढ़ती है, जबकि जिस तरह से कहानी दिखाई गई है सोल्जर्स की, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ की, वो किसी भी तरह की एक सिंपल कहानी से प्रेरित भी हो सकती है। उसमें वॉर जो लिया गया है 1962, वो लेना ही क्यों जरूरी था ये समझ नहीं आता। तो बहुत सारी खामियां और कुछ अच्छी चीजों के साथ ये सीरीज हमारे सामने आती है, 1962 वॉर इन द हिल्स। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को है 2.5 की स्टार रेटिंग। हाँ, इतना जरूर है दोस्तों कि वन टाइम वॉच है, अगर बहुत कुछ बेहतर नहीं आपके लिए करने के लिए तो आप इसे जरूर से देख सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो नए रिव्यू में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।